हाँ चलो, सो हम सेकेंड बुक मोमेंट्स में से आज फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, दी लॉस्ट चाइल्ड। ओके, लॉस्ट चाइल्ड क्या कहना जा रहा है? लॉस्ट मतलब खो गया, बच्चा खो गया। ये चैप्टर में भी, ये बुक में भी जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत ही मज़ेदार चैप्टर हैं, ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं कि कुछ ना कुछ जैसा सस्पेंस जैसा चलता रहता है। ओके, बहुत सारी मज़ेदार, ये जस्ट लाइक दीज चैप्टर्स आर लाइक स्टोरीज, जो पहले के टाइम पे छोटे बच्चों को स्टोरीज हम सुनाते हैं ना, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरीज सुनाते हैं, वैसे स्टोरी टाइप सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स हैं, लॉजिकल भी, हंसी मजाक, ट्विस्ट एंड टर्न, मजा आएगी। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, इनके ऑथर है, द लॉस्ट चाइल्ड के ऑथर है मुल्कराज आनंद। ओके, इंडियन ऑथर मुल्कराज आनंद। चलो स्टार्ट करते हैं, तो बिफोर यू रीड पार्ट देखते हैं हम। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स, फेयर मतलब मेला। ओके, तो मेले में गए पेरेंट्स के साथ। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. तो मेले में जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे एंड ऑल। ओके, वैसे हम भी कितने खुश होते हैं, जाते हो तुम लोग मेले में? अभी मेरे, अभी बारिश हो गई ना, अभी सावन में सब मेले आएंगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा खुश था वो, एक्साइटेड था, उत्साही था। ओके, और उसको बहुत कुछ चाहिए था। क्या क्या चाहिए था? स्वीट्स, मिठाई चाहिए थी, टॉयज चाहिए थे, ओके, खिलौने चाहिए थे। देन जो भी चीज़ वहाँ पे सब रखी हुई थी, नहीं बहुत कुछ रखा होता है, खिलौने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कपड़े होते हैं, स्वीट्स होते हैं, झूला झूलना है और कितना कुछ होता है। ओके, ऐसे बंदूक मारो और इनाम जीतो, ऐसे कुछ डालने वाले थे, कितना कुछ होता है। ओके, सो वही सब है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको बाई नहीं करवाते, मतलब कुछ भी उसको दिलाते नहीं। सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दी फैमिली कंडीशंस पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं। अभी हमने देखा दी लिटल गर्ल चैप्टर, सो हमें उल्टे पॉइंट ऑफ व्यू से, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पेरेंट्स हमें ट्रीट कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट ही करना चाहिए अच्छे से। बट जैसे सबको लगता है यार ये, मतलब सबको इन द सेंस नॉट ऑल बट मेजरली कोई ऐसी फीलिंग आती है कि ये दिलाओ ये दिलाओ, वो शायद ना, क्योंकि ये जो इच्छाएं है ना, हमारे वॉन्ट्स है ना, वो कभी खत्म नहीं होते। एक मिलेगा दूसरा लाओ, एक मिलेगा दूसरा लाओ, बचपन से ऐसा ही है। खिलौने जब खेलते थे तब से एक खिलौने खेल रहे हैं, लेकिन वो भैया और दीदी जो खेल रहे हैं ना वही चाहिए, और जैसे ही वो मिलेगा ना तो वो नहीं देंगे ना तो हल्ला करेंगे, और अगर वो दे दिया तो उसके साथ खेलेंगे। अब वो जो तुम खेल रहे थे वो बोलेंगे नहीं नहीं तुम भी, वो भी मत लो, सब कब सब कुछ अपने को ही चाहिए। ओके, उनको कुछ देना ही नहीं। वैसी मेंटालिटी होती है बच्चों की, ओके कि मेरा है ये, मेरा है लाइक दैट। ओके, सो वैसे ही बहुत कुछ चाहिए होता है, बट फैमिली की कंडीशन के हिसाब से पेरेंट्स हमें दिलाते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलरली इस चाइल्ड को भी पेरेंट्स कुछ भी नहीं परचेज करके दिलाते। सो Why then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन जब parents के पास वो मांग रहा था तो parents उसको नहीं दिलाते थे, लेकिन थोड़े time बाद someone, मतलब किसी और की entry होगी हमारे chapter में, वो अभी उसको दे रहे हैं तो अब उसको वो चाहिए नहीं। जैसे जो चीज, जैसे कोई खिलौना मांग रहा हो parents के पास, मम्मी के पास, पापा के पास, तो बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और पापा लोग मम्मी लोग ना बोल रहे हैं। लेकिन अब कोई और वही खिलौना उसे गिफ्ट कर रहा है, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं चाहिए। ये ऐसा क्यों, तो हम देखेंगे एक्चुअल में। ओके, जैसे हमने द लिटल चाइल्ड में भी देखा था कि हमें जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हमें सबसे ज़्यादा जो लव करते हैं, ओके, वो कौन होते हैं? पेरेंट्स ही होते हैं। सो वो हमें याद रखना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। It was festival of spring. तो भाई spring का festival था ये, spring season का नाम है। Okay. From the wintry shades of narrow lanes. Okay. Wintry shades of narrow lanes मतलब कि जो winter है वो winter की effect अभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत effect है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है wintry
शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, मतलब बहुत ही मतलब क्या छोटी छोटी जो गलियां होती है वो नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. ओके सो एलीज का मीनिंग क्या है, नैरो पैसेजेस, जस्ट लाइक वो नैरो हमने बोला कि लाइन है वैसे ही लेन्स, जैसे ही नैरो पैसेजेस है. इमर्ज्ड, ओके इमर्ज्ड मतलब केम आउट, एंड गैली का मीनिंग होता है मैरिली, मैरिली का मीनिंग क्या है वापस हैप्पीली, मतलब गैली मतलब क्या हैप्पीली. एंड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब क्या लोग, तो मतलब क्या देख रहा है कि भाई ये तो स्प्रिंग का फेस्टिवल है और एक विंटर की इतनी इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत विंटर की इफेक्ट है. विंट्री शेड्स में क्या दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी गलियों में से बहुत सारे लोग खुश होकर निकल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा सीन है. ओके लिखा हुआ है ना इमर्ज्ड मतलब आउट आ रहे हैं, एलीज लेइंग एंड गेली मतलब के क्या हैप्पीली, मैरिली और से हैप्पीली. ओके एंड ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी मतलब क्या कि ह्यूमंस आ रहे हैं, बहुत सारे ह्यूमंस, एंड क्लैड, क्लैड मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल कपड़े पहन के आ रहे हैं. नहीं मेले में जाते तो कैसे सब अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के जाते हैं घूमने के लिए. तो ये सीन जब कोई देख रहा है तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, मतलब सब जगह से. अगर अब तो कैसे ड्रोन व्यू और वो सब आ गया है तो ऊपर से दिखता है कि अरे इतना सारा पब्लिक है लाइक दैट. तो वैसे ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू दिख रहा है. देखो यहाँ पे कैसे लोग 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 सब लोग ही दिखाई दे रहे हैं फोटोग्राफ में. ओके सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स. तो भाई कोई लोग कैसे होते हैं कि राइड करते हैं किस पे, हॉर्सेस पे, जो घोड़े होते हैं उसके ऊपर. देन अदर्स सैट, अदर लोग बैठे हुए हैं, बीइंग कैरीड इन द बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट, तो बैम्बू और बुलॉक कार्ट की जो गाड़ी है उसमें बैठ के कई लोग आ रहे हैं, कोई लोग घोड़े पे है, लाइक दैट. वन लिटल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. तो ब्रीमिंग ओवर का मीनिंग क्या है, टू बी फुल ऑफ समथिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा उसके अंदर भरा हुआ. नहीं बोलते कि ब्रीमिंग ऑफ वाटर, हमने केमिस्ट्री में अभी अभी चैप्टर्स किए थे तो देखा था फुल ब्रीम. ओके तो ब्रीम मतलब क्या पूरा का पूरा भरा हुआ, तो मतलब उन्हें बोलते कि खुशी से छलक रहा है. ओके पानी छलक रहा है, ओ भाई पानी गिर रहा है बाहर, नहीं बाहर गिर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं बोलते. तो ब्रीमिंग ओवर का मीनिंग होता है ओवरफ्लो होना, किससे ओवरफ्लो होना, विथ लाइफ एंड लाफ्टर, बहुत ज्यादा लाइफ मतलब एकदम जीवन है उसके अंदर, बहुत ज्यादा हंसी मजाक. ओके खुश है अंदर से, छोटे बच्चे कितने खुश होते हैं, नो ज्यादा कुछ वरीज नहीं कुछ नहीं लाइक दैट. तो वैसा है उसको. ओके और उसके पापा के पास आगे पीछे पैरों के पास दौड़ता रहता है. ओके तो उसकी बात कर रहे हैं. चलो नेक्स्ट, सो आगे क्या है देखो. कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स. ओके कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं. कम चाइल्ड कम मतलब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ लाइक दैट. ओके सो एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग मतलब पीछे रह जाना. ओके लैग्ड बिहाइंड मतलब क्या, पीछे रह जाना. ओके जैसे यहां लिखा है देखो, वॉज लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाना. लैगिंग, लीडिंग मतलब आगे जाना और लैगिंग मतलब पीछे रह जाना. ओके फैसिनेटेड बाय, ओके तो फैसिनेटेड का मीनिंग क्या है, अट्रैक्टेड टू, मतलब बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, मतलब अट्रैक्टिव है, ऐसा नहीं बोलते क्या फैसिनेटिंग व्यू है, क्या अट्रैक्टिव व्यू है लाइक दैट. तो फैसिनेटेड बाय, किससे फैसिनेटेड था वो, किससे अट्रैक्टेड था, बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे. तो भाई टॉय खिलौने की जो दुकानें थी उसको वो देख रहा था और ऐसे ही देखता रहा, अच्छा ये भी है ये भी है, देखता रहा. उतने में उसके पेरेंट्स आगे निकल गए, इसलिए उसके पेरेंट्स बुला रहे, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, वहां रुक मत जाना, ऐसे खो जाओगे. ही हरीड टॉवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अभी फटाफट भाग के आ गया वो. हिज फीट ओबेडियंट टू देयर कॉल, तो मतलब उसके पैर, ओबेडियंट मतलब क्या, आज्ञाकारी, मतलब जैसे ही पेरेंट्स ने बुलाया तुरंत ही वो आ गया लाइक दैट, अच्छा बच्चा है. हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. ओके सो क्या बोल रहे हैं, सो देखो
से यहाँ पे सारे मीनिंग लिखे हुए हैं। लिंगरिंग दैट इज लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि लिंगरिंग इन द सेंस लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड उसके बाद भी लिखा हुआ है रिसीडिंग टॉयज, तो रिसीडिंग का भी लिखा हुआ है लेफ्ट बिहाइंड एज वॉक्ड अहेड, मतलब पीछे रह जाना। तो फिर से हिज आई स्टिल लिंगरिंग, ओके, तो मतलब अभी भी क्या है, लॉन्ग टाइम तक वो पीछे ही देखता रहा, ओके, उसकी आंखें अभी भी पीछे ही वही खिलौनों को ही देखती रही है, ओके, और सब आगे जा रहा है लाइक दैट, वैसा कहना चाह रहे हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड, ओके, एज ही केम टू वेयर दे हैव स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, मतलब कि जहां उसको रुकने के लिए बोला गया था वहां वो रुका, अब वो अपने आप को वेट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए सप्रेस, ओके, मतलब पुट एन एंड टू, मतलब कि अपने आप को रोक ना पाना, सप्रेस नहीं कर पाना, वो रोक नहीं पा रहा है किसको, वो खिलौने उसको वापस देखने हैं। द डिजायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, तो भाई अब क्या है, उसको पता ही है कोल्ड, ओके, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस वे में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बहुत ज्यादा सीरियस वे में स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, मतलब जो देखते हैं नहीं लेना है, कुछ नहीं मिलेगा लाइक दैट, ओके, वो उसको पता ही है कि रिफ्यूजल ही होने वाला है, मतलब मना ही होने वाला है, रिजेक्ट ही होने वाला है, फिर भी क्या है कि बोलते हैं कि भाई वो पूछने ही वाला है कि मुझे क्या, मुझे थोड़ा खिलौने विलौने दिलाओ, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, तो भाई उसने बोला क्या कि मुझे वो खिलौने चाहिए, प्लीडेड मतलब बहुत ज्यादा डीपली रिक्वेस्ट करना, जस्ट लाइक बेगिंग, दिलाओ ना प्लीज, दिलाओ ना लाइक दैट, ओके, वैसे वो कर रहा है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, ओके, तो उसके पापा उसकी तरफ देख रहे हैं, टायरेंट इन द सेंस ऑफ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर, ऐसे बोलते हैं, तो उसके पापा कैसे थे, जैसे मारा था वो कल हमने देखा ना द लिटिल गर्ल में, तो वैसे ही यहाँ पर उसको देख रहे हैं एकदम क्रूअलिटी वे में। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड एंड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, तो मेल्टेड का मीनिंग क्या है, बिफोर बिकेम टेंडर एंड लविंग, मतलब उसकी मम्मी को इतना ज्यादा क्रूअलिटी नहीं, उसकी मम्मी भी एटमोस्फियर और वो देख के इतनी ज्यादा मतलब गुड फील कर रही है, सेटिस्फाइड हैप्पी फील कर रही है, बोल रहे अरे छोड़ो छोड़ो ये लो मेरा हाथ पकड़ो और देखो तुम्हारे सामने क्या आया है, ऐसे जनरली क्या कर रहे हैं, उसका माइंड डाइवर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, छोड़ो वो सब, ये देखो तुम्हारे सामने क्या है लाइक दैट, वैसे ओके। सो इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, तो क्या है उसके सामने, जो सरसों होते हैं, सरसों उसका खेत है पूरा का पूरा, और वो उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो दिख रहे हैं, तो कैसे पेल मतलब थोड़े कम, ओके, लाइट लाइटर येल्लो टाइप के होते हैं ना, ऐसे पूरा का पूरा, ऐसे कितने तक देखो तो ऐसे पेल येलो कलर ही दिखता जाएगा, वैसा वहां पे दिख रहा है, समझ में आया, ओके, हाँ चलो। सो कहाँ गए आगे, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ओके, जैसे कि वो इतना मतलब पेल मतलब क्या, थोड़ा लाइटर येलो, और कैसा लग रहा है, मेल्टिंग गोल्ड, जैसे गोल्ड है उसको मेल्ट करते हैं तो कैसा लगता है, वैसा लग रहा है उसको, ओके, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, तो भाई बहुत ही माइल्स और माइल्स तक वो ऐसे फैला हुआ ही है, देखो वो देखो ऐसा बोल रहा है। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, तो भाई वो नहीं बोलते ड्रैगन फ्लाइज, देखी होगी तुमने जो हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं ऐसे फ्लाइज होती है, अभी अभी जो मानसून है उसमें भी बहुत दिखाई देती है, तो वो ड्रैगन फ्लाइज उसको दिख रही है, ओके, तो ड्रैगन फ्लाइज क्या कर रही है, बस्टलिंग दैट इज मूविंग हियर एंड देयर, देखो सारी मीनिंग मैंने तुम्हारे लिए लिख ली है, तो जो भी तुम्हें ना बताओ हो लिख लेना, क्योंकि जैसे वो बुक में ग्लॉसरी गिवन है, ये बुक में ऐसा कुछ भी ग्लॉसरी गिवन नहीं है, ओके, सो क्या बोल रहे हैं, बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, ओके,
सो बॉडी का मीनिंग क्या होता है, टू ब्राइट, तो उसकी बहुत ज्यादा ब्राइट जो पर्पल विंग है उसको देख रहे हैं, एंड इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और से बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। तो एक अकेली जो काली मधुमक्खी है, काली ओके बी है, उसको इंटरसेप्टिंग कर रही है, मतलब उनको छेड़ रहे हैं, उनको अपोज कर रहे हैं, कौन, ये फ्लाइज, मतलब एक ही अलोन है, एक बीज है, वो बीज का काम क्या है कि वो जो फ्लावर्स है, फ्लावर में से जो स्वीटन स्वीटनेस वाला मटेरियल है, वो नेक्टर है, उसको क्या करेंगे, सक कर लेंगे, ले लेंगे, तो वो करना चाह रही है, लेकिन उसके ये रास्ते में कौन आ रहे हैं, ये फ्लाइज उसके रास्ते में आ रहे हैं और हियर एंड देयर घूम रहे हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और बच्चे ने उसको फॉलो किया, ऐसे देखता रहा, तब तक देखता रहा जब एक ने क्या किया, एकदम उसकी विंग स्टिल कर दी और ऐसे ही बैठ गया। तो क्या करा, कैच करना चाहा, मतलब उसको पकड़ना चाहा, जैसे हम नहीं बटरफ्लाई को पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं, लाइक दैट ओके। सो बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड। तो जैसे ही ऑलमोस्ट उसने पकड़ ही लिया था और क्या हुआ कि एकदम से छूट गया, एंड फ्लैटरिंग मतलब एकदम ही फटाफट क्या हो गया, निकल गया ओके उसके हाथ में से, फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट ओके। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, अब फिर से एक कॉशनरी कॉल, मतलब कॉशन मतलब क्या, तुम्हें पहले से चेतावनी भरा ओके वो कॉल के, चलो भाई वहां वहां कहां जा रहे हो, चलो रास्ते पे आओ, क्योंकि वो तो साइड में है सब कुछ, खेत हो तो खेत में नहीं जाना है, कम चाइल्ड कम ऑन दी फुटपाथ, बोले फुटपाथ पे आ जाओ, ऐसे बाहर फील्ड पे मत जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ, ऐसा बोले। देन नेक्स्ट है, ही रैन टॉवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। तो एब्रीस्ट मतलब क्या, साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे, तो साइड बाय साइड सेम वे जहां पेरेंट्स जा रहे हैं वैसे ही वो जा रहा है। अभी तक हमने क्या देखा है, उसने टॉय देखे, टॉय देखा, उसको पता ही है कि नहीं दिलाएंगे, फिर भी उसने टॉय मांगा और उसको ना बोल दिया, और जैसे ही उसको ना बोला तो फिर उसकी मम्मी ने बोला, अरे वो सब छोड़ो अभी, क्या टॉय वॉय, ये देखो तुम्हारे सामने क्या है, फिर वो सरसों के पूरे खेत देखे, वो सब देखे, एंड वहां पर वो बटरफ्लाईज और ब्लैक बी वो सब थे वहां पर, तो उसने वो बटरफ्लाईज जो है ओके, बटरफ्लाईज तो नहीं बोलेंगे हम, बट जो हमें बोला गया है ओके वही बोलेंगे, बटरफ्लाईज नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें बटरफ्लाईज नहीं बोला गया है, हमें ड्रैगन फ्लाईज बोला गया है, तो हम ड्रैगन फ्लाईज ही याद रखेंगे। तो ये जो ड्रैगन फ्लाईज है, वो ड्रैगन फ्लाईज को मतलब पकड़ने की ट्राई की और वो गुम हो गया एंड ऑल, फिर उसको उसकी मम्मी ने बुलाया, चलो चलो रास्ते पे आओ, वहां कहाँ जा रहे हो, फुटपाथ पे चलो, लाइक दैट। यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई ना ओके। चलो आगे क्या हो रहा है ओके, A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. तो भाई अचानक से क्या हुआ कि flower of petals मतलब जो पंखुड़िया होती है ना, एक पूरा फूल है उसमें से एक पंखुड़ी तुमने तोड़ दी, petal, ऐसे बहुत सारे petals है, वो सारे ही तोड़ दिए, तो अचानक से उसके ऊपर सारे ये petals गिर रहे हैं, जैसे ही वो एक पर्टिकुलर ग्रू में गया, तो forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. तो अचानक से उसने क्या कर दिया कि ये जो petals आ रहे हैं ना, उसके ऊपर गिर रहे हैं ना, उसको मम्मी पापा को भी भूल गया, और अब ये काम में लग गया, क्या काम में लग गया कि ये जो petals आ रहे हैं उसको पकड़ रहा है, इकट्ठा कर रहा है ओके। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टॉवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव। तो मतलब क्या, उसको पता चला कि क्या है लो, मतलब के अब बस खत्म, उसको डव की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही डव की आवाज सुनाई दी तो वो पेरेंट्स के पास वापस भाग के चला गया, बोले डव है यहाँ तो डव है, ऐसे बोलते बोलते चला गया ओके। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। तो भाई ये डव डव इतना वो अब वो भागने में और डव डव चिल्लाने में इतना मतलब कॉन्शियस हो गया कि उसके हाथ में सारे पेटल्स उसने जो इकट्ठा किए थे वो थे, तो वो क्या हो गए, ड्रॉप डव मतलब वो गिर गए ओके, वो कॉन्शियस नहीं था इसलिए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री। तो मतलब देखो, रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स का मीनिंग क्या है, रनिंग हैप्पीली ओके, रनिंग क्या है,
हैप्पीली विथ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के साथ वो घूम घूम रहा है, राउंड एंड राउंड घूम रहा है। कहां पर अब घूम रहा है? बनियन ट्री, जो बनियन ट्री है, ओके, वर्ड बोलते हैं ना बनियन ट्री, उसके आगे पीछे वो घूम रहा है गोल गोल। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। तो अभी उसको इकट्ठा किया है, गैदरिंग हिम मतलब चलो चलो उसको पकड़ा, और फिर नैरो लाइन में चलने लगे, वाइंडिंग द फुटपाथ, तो फुटपाथ पे वापस जहां पे आ गए हैं, कहां पर कि जो आगे जाके कहां जाएगा, फेयर की तरफ जा रहा है। अभी तो फेयर पहुंचे भी नहीं है, एक सिर्फ आगे एंटर किए वो, तो उनको एक खिलौने की दुकान मिली, वहां पे मांगा था, अभी तो साइड में चल रहा है, ये साइड फील्ड है और फेयर सामने दिखाई दे रहा है सब। ओके, खिलौने की दुकान तो पहले से ही होती है, लेकिन जहां पे राइड हो और बहुत सारा फेयर जैसा हो, वो पार्ट थोड़ा आगे है, बीच में फील्ड है, तो वहां से वो जा रहे थे तब ये सब हुआ। ओके, यहां तक का समझ में आ गया ना? रुको, मैं पानी पी लेता हूं। चलो, सो आगे क्या हुआ? As they neared the village, child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. सबसे पहले throngs क्या है? मतलब huge crowds, बहुत बहुत ज्यादा huge crowds है, बहुत crowd आया है। And whirlpool, converging मतलब just like narrow होना, okay, सिकुड़ जाना। एक होता है converging और दूसरा होता है diverging. Diverging मतलब ऐसे फैल जाना, मतलब डाइवर्ज होना, तो कन्वर्जिंग मतलब ऐसे अंदर जाना। ओके, जैसे कि नहीं कि मैं रोड पे लिखा हुआ होता डाइवर्ज, डाइवर्जेंट अहेड, मतलब ये जो रोड ऐसे जा रहा है वो डाइवर्ज हो गया है, दूसरी जगह जाना है, लाइक ऐसे जा रहा है, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। तो जैसे कि यहाँ पे ऐसे व्हर्लपूल है फेयर का, तो ऐसे जो रोड यहाँ जा रहा है वो यहाँ ऐसे कन्वर्ज हो रहा है, ये भी रोड ऐसे जा रहा है, यहाँ कन्वर्ज हो रहा है। सपोज ये ऐसे रोड आ रहा है और ऐसे कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ भी ऐसे रोड आ रहा है और यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, मतलब सारे के सारे जो रोड है वो फेयर में, जो सेंट्रल एरिया है, फन फेयर है, वहां पे जा रहे हैं, वहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं, ऐसा बता रहा है। ओके, टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। व्हर्लपूल मतलब क्या? जो नहीं बहुत ज्यादा जहां से पानी निकले, व्हर्लपूल इज नथिंग बट अ मोशन, पर्टिकुलर मोशन को व्हर्लपूल बोलते हैं। कौन से मोशन को? जैसे कि तुम वॉशिंग मशीन में देखो तो कैसे पानी ऐसे घूमता है ऊपर से या सामने से देखो तो, अदरवाइज वॉशरूम में या फिर वॉश बेसिन में जब हम हाथ धोते हैं तो बहुत ज्यादा अगर पानी भर गया हो तो कैसे ऐसे करके जहां पे होलो वहां से ड्रेनेज में से कैसे निकलता है गोल 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 घूमकर। वो जो मोशन है राउंड एंड राउंड एंड राउंड, पहले ऐसे बड़ी 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 फिर छोटी 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 करके ऐसे निकलता है, उसको क्या बोला जाता है? व्हर्लपूल मोशन। तो व्हर्लपूल ऑफ द फेयर मतलब इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, ह्यूज क्राउड है, बोला ना थ्रॉन्ग्स। ओके, तो वो देख रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। तो भाई अब एक बार तो क्या है, रिपेल्ड मतलब क्या, वो भाई इतने सारे लोग, मतलब एक बार तो रुक गए वो लोग कि भाई इतने सारे लोग नहीं जाना है, ऐसा कि कितने सारे लोग है, कुछ हो गया तो, लाइक रिपेल, एक तो होता है अट्रैक्शन, दूसरा होता है रिपल्शन।
रिपल मतलब दूर जाना, अट्रैक्शन मतलब पास आना, तो ये रिपल हो रही हो भाई एक मोमेंट में, तो जाना है या नहीं जाना है? बहुत पब्लिक नहीं, हम कहीं जा रहे होते हैं बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है, क्या करना है, जाना है, बहुत भीड़ है, ऐसा नहीं, लाइक दैट वैसा सिचुएशन हो रहा है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। तो भाई जैसे ही एंट्रेंस है, एंट्रेंस के कॉर्नर पे एक स्वीट मीट मतलब स्वीट फूड मतलब मिठाई की दुकान, ओके, हॉक्ड मतलब चिल्ला रहा है, क्या मतलब आवाज लगा रहा है, क्या आवाज लगा रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ऐसे सब चिल्ला रहा है वो। अब ये सब, इसमें से बर्फी उसकी फेवरेट आइटम है। देखो, अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो मतलब क्या है कि पूरा का पूरा क्राउड है उसके आसपास, ऐसे गोल नहीं होता कि ऐसे पानी पूरी खा रहे हैं तो कैसे वो बंदा यहाँ खड़ा है और सब लोग ऐसे गोल 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 गोल, तो वैसे ही ये बंदा है मिठाई बेच रहा है और उसके आसपास सारे ही सारे लोग वहां पर है और सारी की सारी मिठाई अभी ऐसे रखी हुई है, डेकोरेट की हुई है और उसके ऊपर सिल्वर एंड गोल्ड कलर के मतलब नहीं हम बोलते हैं कि सिल्वर और गोल्ड कलर की पर्टिकुलर सरफेस लगाई जाती है, तो वैसी लगाई गई है, यहाँ पर तो लीव्स बोला है बट लीव्स इन द सेंस दैट ओनली, ओके, कि पर्टिकुलरली वो लगाई जाए, ओके, चलो। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। तो भाई ये तो देखते रहे वो, वाह इतनी ज्यादा मिठाइयां और उसमें वो बर्फी भी है, तो वाटर्ड माउथ वाटर्ड मतलब क्या, उसके मुंह में पानी आ गया, ओके, तो उसके मुंह में पानी आ गया। That was his favorite sweet. I want that Buffy. He slowly murmured. तो भाई वो धीरे से, यार मुझे वो बर्फी चाहिए, ऐसे धीरे से बोला, पेरेंट्स को डायरेक्टली नहीं बोला, पता ही है कुछ मिलने वाला नहीं है, तो धीरे से, यार बर्फी खानी है, like that, वैसे। So, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. ओके, तो उसको पता ही था, ओके, हाफ न्यू, ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, ओके, तो मतलब उसको पता ही था, हीडेड मतलब पेड अटेंशन, मतलब उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको कोई अटेंशन मिलेगा नहीं और ऐसा बोल दिया जाएगा कि मैं बहुत ज्यादा ग्रीडी हूँ, ओके, कि ऐसे ही खाना मांगता रहता हूँ और ऐसे खाने के टॉर्च में मैं बहुत ज्यादा ग्रीडी हूँ, ऐसा बोल के मुझे ना बोल दिया जाएगा, ऐसा ही उसको लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, ओके, तो गुलमोहर होता है ना, ओके, पता है ना गुलमोहर का फ्लावर, नहीं पता, गलगोटा पता है ना, गलगोटा, उसी को गुलमोहर बोलते हैं, ओके, वो ये शादी में और से पूजा में सब जगह होता है, येलो ऑरेंज कलर का नहीं होता, हाँ वेरी गुड, यस, ओके, तो दैट इज गुलमोहर, ओके, चलो। सो वो अभी दूसरा फ्लावर सेलर भी ऐसे चिल्ला रहा था, द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, अब यहाँ भी वो ड्रॉन मतलब ऐसे खींच रहा था, अरे यार कितना अच्छा फ्लावर, कितना अच्छा गार्लैंड, गार्लैंड मतलब फूलों की माला, तो माला को क्या बोलेंगे, गार्लैंड, ओके, तो यहाँ पर भी वो ऐसे खींचा चला जा रहा है। He went towards the basket where the flowers lay heaped. Okay, basket के पास गया जहाँ पे flower heaped. Heaped मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे, मतलब basket तो ऐसे गोल होगा, okay, semicircle और से hemisphere जैसा होगा, उसके ऊपर ऐसे 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 flower रखे होते तो ऐसे पूरा नहीं बन जाता, टेकरा बोलते हैं हम, टेकरा, ओके, सो उसको बोलते हैं हीप, ओके, क्या बोलते हैं, हीप, जैसे हम नहीं बोलते रोड के ऊपर ऐसे बम्प आ जाता है, वैसे ही क्या, हीप, ओके, तो हीप बन गया था। एंड हाफ मर्मर्ड आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, फिर से वो ऐसे मर्मर्ड किया, अरे यार मुझे गार्लैंड चाहिए, ऐसे लाइक दैट, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, तो बोले उसको ये भी पता था कि उसके पापा, उसके पेरेंट्स तो क्या करेंगे, पापा नहीं पेरेंट्स वो दोनों के, वो रिजेक्ट करेंगे, क्या बोल के, दे वुड से दैट, उसको ये भी पता है देखो कि वो क्या बोलेंगे क्योंकि हर बार ऐसे ही ना बोलते हैं, हर बार, ओके, हर बार ऐसे ही ना बोलते हैं, अभी खाने का बोला था कैसा बोला कि तुम ग्रीडी हो, वैसे करके ना बोल देंगे,
खिलौना भी मांगा था, अरे देखना कुछ मांगो तो ऐसे ऐसे ओके कोल्ड स्टेयर नहीं किया था, वो वर्ड यूज किया है ना, अरे कुछ मांगना नहीं है चुप रहो चलो ऐसे लाइक दैट। तो यहाँ भी उसको पता ही था कि ना ही मिलने वाला है ओके okay. एंड वो आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे दे वुड से दैट दे वेर चीप, बहुत चीप है ऐसे, सस्ते सस्ते वाले है ऐसा कुछ अच्छे नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो अब तो ये आंसर के लिए वेट भी नहीं किया, मुझे ये चाहिए फिर चला डायरेक्ट पता ही है कि कुछ आंसर कुछ मिलने वाला नहीं है और आंसर मिलेगा आंसर भी यही मिलेगा, इसलिए आगे ही चलता गया बस बोल के यार चलो चलो पता ही है कुछ नहीं होने वाला लाइक दैट ओके। हाँ सो अ मैन होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, तो भाई एक बंदा है जो ऐसे पोल लेके खड़ा है, ऐसे नहीं डंडा होता है उसके आसपास एक सिलेंडर भी होता है अगर गैस वाले बलून फिल कर रहे हो तो ऐसे चारों ओर बलून ऐसे निकले हुए होते हैं। अब उसने वो देखा, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल ओके। तो अब चाइल्ड को क्या हो गया है कि वो देखा और जैसे कि जस्ट लाइक रेनबो कैसे होता है वैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऐसे दिख रहे हैं और इतनी ज्यादा डिजायर हो रही है कि मुझे ये सारे चाहिए। ओवरवेलमिंग मतलब वेरी ग्रेट, बहुत ज्यादा बड़ी डिजायर उसे मिल रही है बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून। उसको ये भी पता था कि बलून भी मिलने वाले नहीं है, उसका रीजन भी पता है क्या, बिकॉज दे वुड से इफ ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, अरे तुम बड़े हो गए यार बलून से खेलने की उम्र है क्या, ऐसे बोल देंगे कि भाई तुम बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हो, मतलब तुम बड़े हो गए उनके साथ, सब बलून किससे खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं रही लाइक दैट। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, आगे मांग रहा है बोल रहा है और आगे जा रहा है, पता ही है कुछ होने वाला नहीं है, एंजॉय करो और लगे तो मांग लो शायद मिल जाए, तो मिल जाए नहीं तो मांगते रहो और आगे बढ़ते रहो लाइक दैट। सो अब आगे देखो क्या हो रहा है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, तो वो जो होता है ना सपेरा ओके तो ऐसे बास्केट होता है उसके पास जैसे टोपली होती है तो उसके अंदर स्नेक होता है ऐसे राउंड एंड राउंड बैठा हुआ होता है, जैसे जैसे वो बजाता है धीरे धीरे तो धीरे धीरे करके ऐसे 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 करके ऊपर आता है, अंडरस्टूड ओके, ये एक्चुअल में नहीं आता ओके, दैट इज कमिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ओके। वो जैसे जैसे ऊपर 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 आता है फिर नीचे जाता है तो वो जो मूवमेंट होती है ना मूवमेंट ओके वो जो शहनाई बजाता है ना वो मूवमेंट की वजह से ओके वो हिलता है, स्नेक के कान नहीं होते पता है, स्नेक के कान नहीं होते, तो ये जो मूवीज में और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि ऐसा गाना बजाएंगे तो सांप आ जाएंगे एंड ऑल, दैट इज अ मिथ, वो सच्ची बात नहीं है, उसके कान ही नहीं होते, उसको सुना ही नहीं देता, दे कैन सेंस वेरी वेल, उनके पास सुनने की शक्ति नहीं है, तुम कुछ भी आओ चिल्लाओ कुछ उसको सुनाई नहीं देगा, कोई भी गाना बजाओ कुछ पता नहीं चलेगा, बट दे कैन सेंस वेरी वेल, मतलब कि वो ग्राउंड पे अगर ऐसा समझो कि वो वाले घर पे भी ग्राउंड पे कुछ मूवमेंट हो ना तो भी वो यहाँ ग्राउंड पे फील कर सकता है कि वहां कोई चल रहा है, वहां इतने दूर कोई चल रहा है तो वो स्नेक फील कर सकता है कि वहां कोई चल रहा है, इतने दूर कोई चल रहा है, वो सेंस उसके पास ज्यादा होती है ओके, बट सुनने की सेंस होती नहीं है। तो ये सिर्फ एक बात बहुत टाइम से मूवीज में भी चल रही है एंड ऑल के भाई ये बजाएंगे ऐसे गाने बजेंगे, फिर वो मूवीज भी ऐसे थी ऐसे वो बजाते रहते हैं फिर आता है कोई ओके मतलब वो आएगा सांप और नाग वो आएगा और सब ऐसे मूवीज में भी स्टोरी चलती रहती है, बट इट इज मूवी के एंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव से है, बट इट इज अ मिथ, ऐसा नहीं उसके कान ही नहीं होते ओके अच्छा चलो, इट्स हर्ड इज हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन, मतलब जो स्वान होता है स्वान ओके जिसे हम हंस बोलते हैं हंस, तो उसकी कैसे ऐसे नेक होती है ऐसे अचानक से ऐसे ऊपर इतनी मतलब ऐसे करके और पूरा ऐसे पानी में होता है ऐसे करके होता है ओके सो वैसा उसका नेक ऐसे ऊपर आ गया है ओके स्वाइन जैसा, किसका, स्नेक का। व्हाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स
लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. तो जैसे जैसे ये वॉइस ये जो बजा रहे है वो उसके कानों में इनविजिबल ईयर्स बोला है ना कि उसके कान दिखाई नहीं देते, होते ही नहीं है. ओके तो उसके कानों में जा रहे हैं, रिपलिंग इफेक्ट दे रहे हैं, वैसे वैसे वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. तो भाई वो उनके पास गया. बट नोइंग हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर. तो भाई वो उनके पास गया और फिर उसको याद आएगा अरे उसके पेरेंट्स ने मना कहा था, मना किया था. क्या मना किया था? कि कभी भी ऐसा अनप्लीजेंट, ओके लिखा हुआ है ना, कोर्स म्यूजिक मतलब फाइन म्यूजिक मतलब जो सुनने में अच्छा लगे, और कोर्स म्यूजिक मतलब जो अनप्लीजेंट हो, सुनने में अच्छा ना लगे वैसे. तो बोले ये जैसा अनप्लीजेंट म्यूजिक है ना वो कभी सुनना नहीं, ऐसा उसको याद आ गया. तो जैसे ही याद आया वो वापस वहां से क्या गया, चला गया. ओके हाँ, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. तो ऐसा होता है ना राउंड अबाउट, मैरी गो राउंड जैसा, पूरा ऐसे गोल 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 घूमता रहता है. अभी तो बहुत टाइप के राउंड अबाउट होते हैं, ऐसे मैरी गो राउंड जैसे ऐसे भी राउंड घूम रहे, फिर ऐसे 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 करके भी राउंड राउंड घूमते हैं, यहाँ सब लोग बैठे हुए होते हैं, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, वैसा था. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन. तो ये वो वाला है, वो ऊपर वाला मैरी गो राउंड नहीं, ये वर्लिंग अभी बताया ना मोशन, वर्लिंग मोशन ऐसे ऐसे. तो नहीं ऐसे पूरा ऐसे जैसे कि यहाँ ऐसे गोल है, राउंड है, यहाँ कोई बैठा है, यहाँ 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 ऐसे पूरा गोल बैठे हुए और फिर ये गोल 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 ऐसे घूमता है. ओके तो वैसा राउंड अबाउट था. तो वर्लिंग मोशन में सब लोग बच्चे मतलब मैन वुमेन चिल्ड्रन सब लोग थे. श्रीक्ड एंड क्राइड विथ डीजी लाफ्टर. तो बहुत ही ज्यादा श्रीक्ड, ऐसे एक दूसरे के अंदर अंदर ऐसे नहीं हम ऐसे करते तो कैसे एक साइड में चले जाते हैं एक साइड में, तो वैसे हो रहे हैं एकदम डीजी लाउड, चिल्ला रहे हैं कि क्या होगा, ऐसे गुदगुदी होती है, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, डर लगता है, वो सब देख रहा था वो. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली. ये भी अच्छा, ये लोग तो देखो अरे कितने ये डर गए, ये वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है वो, छोटा बच्चा ही है. ओके एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. लेकिन अब उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब एक हिम्मत करके, अब तक तो ऐसे मार मार करके था भाई यार कुछ होने वाला नहीं है. ओके लेकिन अभी बोल्ड रिक्वेस्ट की, क्या? I want to go on the roundabout. Please, father, mother, ऐसे नहीं, मुझे ये roundabout में तो जाना ही है, जाना ही है. Please, 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 please. ऐसे करके वो request कर रहा है कि मुझे जाना ही है, जाना ही जाना ही. समझ में आया? तो देखो कितनी चीजें हो गई है अभी तक उसके साथ. ओके क्या क्या, सबसे पहले तो खिलौना मांगा, फिर वो नहीं मिला, वो खिलौना ऐसे ही बात ऐसे मुड़ा थी कि भाई ये देखो सरसों के खेत देखो. अभी तो मांग रहा था, बोले छोड़ तू पापा को, ये देखो सरसों के खेत देखो कितने अच्छे हैं. ओके फिर सरसों के खेत की बात चली और फिर खेत चला तो वहां पे वो जो ड्रैगन फ्लाइज थी उसकी बात चली. ओके वो उसने पकड़ने की बात की एंड ऑल. फिर क्या हुआ कि आगे बढ़े वो लोग, फिर मिठाई की दुकान पहले ही देखी, तो मिठाई की दुकान देखी तो क्या हुआ कि उसे चाहिए ऐसा मांगा, उसने क्या पसंद है उसको, बर्फी, तो नहीं मिलने वाली. ओके उसको पता ही था नहीं मिलने वाली है. देन आगे जाके फिर उसने वापस क्या मांगा, बर्फी मांगा, तो ऐसा बोलते कि ग्रीडी है तुम, ऐसा बोलते, रीजन भी है सारे उसके उनके पास के पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे. हाँ फिर गुलमोहर का गार्लैंड फ्लावर्स मांगे तो बोले नहीं 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 वो बहुत ज्यादा चीप है, वो भी ना ही मिलने वाला है. फिर चार्मर के पास गया, स्नेक चार्मर के, हाँ क्या, बलून्स, यस बलून्स मांगे, बलून्स मांगे तो बोले कि भाई अब तू बहुत बड़ा हो गया है, बलून क्या क्या करना है. फिर स्नेक चार्मर के पास गए तो स्नेक चार्मर के पास क्या, उनको लगा कि वो भाई ऐसा म्यूजिक सुनने से ना बोला था, तो वहां से भी चला गया. फिर लास्ट में राउंड अबाउट देखा तो बोले अब तो मुझे राउंड अबाउट में जाना ही है, प्लीज प्लीज प्लीज, वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो. लाइक दैट, अंडरस्टूड, समझ में आ गया. ओके अब देखो कितनी सारी चीजें वो मांग रहा था और उसको मिल रही नहीं थी, यही हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा कि भाई वो मांग रहा है, पेरेंट्स ना बोल रहे हैं, मांग रहा है ना बोल रहे हैं, लेकिन फिर अब उसको कोई, जब वो मिल रहा है वो सारी चीजें तो अब वो ना बोल रहा है. क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ वो हम आगे देखते हैं. ओके सो ये हम ऐसा हो तो कल ही देखेंगे. ओके सो अच्छी स्टोरी है,
अभी तक की तो पूरी समझ में आ गई। ओके, मैंने 3 पेजेस स्कैन किए थे, देन थॉट तुम प्रिपेयर तो करके आए हो ना, तो